आज प्याज की सब्जी बनाएंगे। तो प्याज की सब्जी बनाने के लिए लगभग मैंने आधा केजी से ज़्यादा यहाँ पे प्याज है वो काट लिए। सबसे पहले तो इनको अच्छी तरीके से पानी से धोया है, उसके बाद में इस प्रकार से मैंने इनको काट लिया है, देख सकते हैं आप। और इसको पानी के अंदर ही रख दिया ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो हट जाए। तो इसकी एक शानदार रेसिपी तैयार करेंगे। लगभग दो छोटे टमाटर ये मैंने यहाँ पे सहायक सामग्री के रूप में काट लिए हैं। अब मसालों की बात करें तो लगभग 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, ये नमक लेंगे स्वाद अनुसार। तो अब ये प्याज की सब्जी बनाएंगे कैसे, इसका तरीका क्या है, तो चलते हैं अभी गैस चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे सरसों का, इसको गरम करेंगे। जीरा डालेंगे इसमें, लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। अब जीरा पककर तैयार है। तो प्याज से वो डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी देर के बाद कलर थोड़ा पीला पीला हो गया है। नमक डालेंगे इसमें अब स्वाद अनुसार। मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर डालेंगे सबसे पहले, इसको मिक्स कर लेंगे मसाले में। काफी स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है प्याज की, तो आप भी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा इस प्रकार से। इससे फायदे भी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। तब इसमें टमाटर डाल देंगे। इसमें पानी डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब 8-10 मिनट तक इसका वेट कर लेते हैं। अब इसमें लहसुन डाल दिया मैंने 8-10 कलियां। अब हमारी आलू ये जो प्याज की सब्जी है बिल्कुल बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप।
तो सीजन चल रहा है प्याज का, तो जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार, और हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये रेसिपी कैसी लगी। और जो साथी सबसे पहले आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद साथियों।